हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है हे हरे, हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान तो हरे कृष्णा हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविध श्रीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ये वेद मंत्र है। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधारान ये भगवान की स्वरूप शक्ति, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्म नाम की देह भैरु गतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण चैत। ये जो राधा रानी ये भगवान की स्वरूप शक्ति आह्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है ये स्वरूप शक्ति। ये हरा का अर्थ होता है ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे हे हरा हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और हे कृष्णा आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा हे हरा, हे रामा हे हरा मुझे आपको सेवा में नियुक्त। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, क्यों हम लोग सेवा में नियुक्त है? इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है, कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है, इसका कुछ भी है नहीं तो कुत्ता पाल लेता है उसके सेवा में नियुक्त है। तो नियुक्त तो रहनी पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सकते। बाकी ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, हमारी सेवा में आओ तभी सुखी हो, नहीं तो नहीं सुखी हो। इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना, निर्विशेष शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो भक्ति, सर्वपाधि विनिमक्तम तत्परतेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की वृत्ति है कि देश का सेवा करो, समाज का सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो, ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के ना ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुच, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, सेवा तो मैं इंद्रिय से ही हाथ पैर से ही करता हूं, आंख से कान से, तू यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा ना, सर्वोपाधि विनिमोक्तम, ये जो अभी हम लोग सोचते हैं ये मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन है, मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वो है, ये उपाधि छोड़ दी। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्त पद कमल दासो दास अनुदास, ये परिचय होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सब नहीं नहीं कर दिया सब। जो हमारा जो वर्णाश्रम है चार वर्ण आश्रम, ये चैतन्य महाप्रभु बता दिया ये सब उपाधि है। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान का, सब उपाधि धर्म छोड़ो। ये जो हम मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का कुछ धर्म तो है, सत्य सम दम तिथि खादि, क्षत्रिय का कुछ धर्म है, ईश्वर भाव तो युद्धि च पलायनम, क्षत्रिय लड़ाई करके देश को रक्षा करेंगे, और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है
किसी को रक्षा वाणिज्यम विश्वकर्म स्वभावजम, इसी प्रकार शूद्र का भी है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सभी का साथ में से बताएं अलग अलग किस तरह से अपना अपना काम धर्म का जाजम करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ होता है कि तू उपाधि शून्य हो जाओ, उसका नाम है मुक्ति। उपाधि शून्य, तू उपाधि शून्य होने की मैं निराकार हो जाता है नहीं, ये जो हम लोग समझते हैं मैं ये है ये है, इसको छोड़ दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते कि मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ना हम विपुर्ण नरपति ना ज्योति बा, तो फिर आप क्या है ना, गोपी भक्तु पद कमल दास दासानुदा। वो जो गोपी लोग की भक्ता है कृष्ण, जो गोपी लोग को पालन करते हैं, गोपी जन वल्लभ, कृष्ण का काम है गोपी जन वल्लभ, गोपियों की सुविधा। जैसे गोपी लोग चाहते हैं किस तरह से भगवान की सुख हो, कृष्ण भी चाहते हैं किस तरह से गोपियों का सुख, इसलिए उसका नाम है गोपी जन वल्लभ। Na chao se